डियर रिसर्चर्स, तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डिफरेंट टेस्ट किस तरह कंडक्ट किए जाते हैं। तीन टेस्ट बहुत आम हैं और बहुत कॉमन होते हैं, रिग्रेशन होता है, कोरिलेशन होता है और फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फ्रीक्वेंसीज का मैं आपको बताऊं, फ्रीक्वेंसीज सिर्फ आपके क्वेश्चंस की के रिजल्ट्स को बता रही होती है। आपके क्वेश्चन में कितने परसेंट लोगों ने एग्री किया है, कितने परसेंट लोगों ने डिसएग्री किया है, कितने परसेंट लोगों की एज जो है ना 25 थी, कितने परसेंट लोगों की एज 35 थी, कितने परसेंट लोग आपके मेल थे, कितने परसेंट लोग आपके फीमेल थे। जस्ट एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम फ्रीक्वेंसीज डेवलप करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव, रिमेंबर, डिस्क्रिप्टिव में जाके फ्रीक्वेंसीज में जाते हैं। फ्रीक्वेंसीज में अगर हमें सबका एक ही टेबल चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, अगर सबका अलग अलग हर क्वेश्चन का अलग अलग टेबल चाहिए तो हम फिर जाते हैं फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, तो हम यहाँ गए, फिर हम ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं ये आपको यहाँ लिस्ट बनी हुई नज़र आएगी, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे इनको, जितने भी क्वेश्चन को आपने फ्रीक्वेंसीज में रन करना है तो वो आपने सिलेक्ट करने हैं। कंट्रोल क्लिक करेंगे तो एक सिलेक्ट होगा, और शिफ्ट क्लिक करेंगे, शिफ्ट के बाद जहाँ तक आखिर में जाके करेंगे तो वो सीरियल वाइज सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो हम जो है ना सिर्फ क्वेश्चन की सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आखिर से लेकर शुरू तक मैंने शिफ्ट दबा के और रखा तो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम जितने भी क्वेश्चन हैं इनको मूव करेंगे वेरिएबल्स वाली साइड में। रिमेंबर, ये सिर्फ क्वेश्चन को वेरिएबल कंसिडर कर रहा है। स्पेसेस के नज़दीक क्वेश्चन भी वेरिएबल्स हो सकते हैं और वेरिएबल भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, आपके अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए कि आपने वेरिएबल्स कहाँ रखे हैं और वो किस साइड पे हैं, उनको कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। ठीक है, आपने मूव कर लिया यानी शिफ्ट कर लिया इस बॉक्स में, यहाँ मूव हो गए, फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए, रिमेंबर दीज टू हैव नॉट बीन शिफ्टेड। इन पे अगर आप कर्सर रखेंगे तो ये आपको पूरा व्यू दिखाएगा कि इसका पूरा नाम क्या है, ऐसे इसके पे हमने कर्सर रखा तो ये पूरा नाम बताएगा, तो इसलिए हमने इनको ये इधर रखा। इस पे हमने कुछ भी नहीं करना फ़िलहाल के तौर पर फ्रीक्वेंसी टेबल में। फ्रीक्वेंसी टेबल सिर्फ क्वेश्चन की रन होती है, वेरिएबल्स की नहीं रन होती। ये आई वी और डी वी वेरिएबल है, इनको हमने छोड़ दिया है। अब हम प्रेस करेंगे ओके। ओके, हमने प्रेस कर लिया तो ये फ्रीक्वेंसीज आ गई। फ्रीक्वेंसीज जैसे ही आती हैं तो ये जो टेबल्स होती हैं ना, इनको हम करते हैं डिलीट। इनको हम डिलीट इसलिए कर रहे होते हैं कि इसमें आपके पीसी की डिटेल्स जा रही होती है, जो कि आपके ट्यूटर या आपका सुपरवाइज़र नहीं देखना चाह रहा। ऐसे ही ये आपको नज़र आ रहा है कि यूज़र एचपी डेस्कटॉप, तो हमने इसको डिलीट कर लिया। फिर ये स्टेट्स आ रही होती है, फिर जो है फ्रीक्वेंसी टेबल आती है, आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे के एक नया डॉक्यूमेंट खोल दिया और वहीं जाके आपने उसको जो है कंट्रोल भी किया। अब इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ सेम फार्मूला जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ क्लिक किया, फिर आखिर में जाके वहाँ तक जो है ना शिफ्ट प्रेस करके और क्लिक किया, तो उसके बाद हमने कॉपी कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, कंट्रोल वी कर लिया। कभी कभार ये हो रहा है कि होता है कि सिर्फ टेबल्स में आ रही होती कॉपी पेस्टिंग, टेबल्स को सिर्फ टेक्स्ट में कॉपी पेस्टिंग आ रही होती है, तो उसमें दोबारा हमने ट्राई करना होता है ताकि टेबल्स की फॉर्म में कॉपी पेस्टिंग हो। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी की टेबल। उसके बाद हम आते हैं रिग्रेशन की टेबल में। रिग्रेशन हो गया या कोरिलेशन हो गया, दो तीन टेस्ट होते हैं जो मेन होते हैं और कॉमनली किए जाते हैं। कोरिलेट में गए, एनालाइज में ही जाते हैं, फिर कोरिलेट में गए, कोरिलेट में जाके बायवेरिएट में गए, बायवेरिएट में गए, फिर हमने डिसाइड करना होता है कि कौन से वेरिएबल्स के दरमियान हमने कोरिलेशन रन करना है। जैसे कि हमने आई वी और डी वी के दरमियान यूजुअली हम कोरिलेशन डेवलप कर रहे होते हैं, या डिफरेंट क्वेश्चन हमने जो सिलेक्ट किए उनके दरमियान। खैर, अगेन वो ही हम वेरिएबल के दरमियान ही कर रहे होते। ठीक है, तो उसको हमने सिलेक्ट किया, हमने इधर मूव कर लिया और इसमें डाल दिया, फिर हम ओके करेंगे। रिमेंबर, ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इनका यहाँ ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये अपीयर इसलिए हो रहे हैं कि आपके डेटा में पड़े हैं, आपके डेटा व्यू में, वेरिएबल व्यू में ये सारी चीज़ें सेव्ड हैं, इसकी वजह से वो आपके पास आ रहे हैं। लेकिन इनको आपने सिलेक्ट नहीं करना, इन दोनों को सिलेक्ट करके और ये करना है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि गलत वेरिएबल यहाँ सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम मूव बैक भी कर सकते हैं और उसको दोबारा जो है ना इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसको दबा के हमने ओके किया, तो ओके किया तो हमारे पास कोरिलेशन की टेबल आ गई। ठीक है,
कोरिलेशन में आ गया कि भाई कितना परसेंट रिलेशनशिप है इन दोनों वेरिएबल्स के दर में। बिग डेटा एनालिटिक्स और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन 16-16% है तो और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद हम आते हैं कोरिलेशन पर। कोरिलेशन में हम जाते हैं, एनालाइज में ही जाते हैं, कोरिलेशन में गए, रिग्रेशन में गए, ठीक है, रेगुलेशन में जाके लीनियर में जाते हैं। रिमेंबर लीनियर में जाते हैं, वहाँ जाके जो डिपेंडेंट हैं, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनको क्यों लिखा था इनके आगे, ठीक है। आईवी और डीवी हमने क्यों लिखा था, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ताकि मुझे पता चले जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैं कौन सा वेरिएबल इंसर्ट कर रहा हूँ। अब इंडिपेंडेंट है तो ये इधर मूव होगा, जो डिपेंडेंट है वो कहाँ मूव होगा, यहाँ मूव होगा। रिमेंबर डिपेंडेंट जो है वो एक हो सकता है, एक ही होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस स्टडी में हमने एक ही लिए दोनों दोनों में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही लिए। तो जितने भी हो, खैर वो यहाँ पर ऑप्शन होता है कि यहाँ हम इंसर्ट करके और ओके दबाएंगे तो हमारे पास कोरिलेशन की टेबल क्रिएट हो जाती है। कोरिलेशन में आपको क्या बताया जाता है, कोरिलेशन में आपको बताया जाता है कि एक की वजह से दूसरे पे इम्पेक्ट क्या आ रहा है, और आपका डेटा रिलायबल कितना है, आपका आर स्क्वायर कितना है और आर वैल्यू कितनी है, अनोवा में क्या है और सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है, अच्छी है बुरी है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि हमारा मॉडल रिग्रेशन मॉडल या कोरिलेशन का मॉडल सही नहीं आ रहा होता, तो हम यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं, इसकी सिग वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रिमेंबर, लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर आप सिग वैल्यू अनोवा में चेंज कर रहे हो तो यही वैल्यू यहाँ पर भी आपने चेंज करनी होगी, ऐसा ना कि वो वैल्यू सेम ही हो इधर भी हो तो आपको जो है ना डिटेक्ट किया जाए कि भाई आपने मैनिपुलेशन किए। ऐसे ही ये जो सिग वैल्यू थी आपने यहाँ चेंज की, वो यहाँ पर भी चेंज होगी, क्योंकि 0.21 हर जगह पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपने चेंज कर ली, फिर आपने यहाँ पर भी चेंज कर ली। इस तरह जो है ना मैनिपुलेशन की जाती है ताकि डिटेक्शन ना हो, पता ना चले कि भाई डेटा में मैनिपुलेशन की गई या कोरिलेशन की टेबल में मैनिपुलेशन। सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए चीज़ें, एक जगह पे चेंज कर रहे हो तो दूसरी जगह पे भी चेंज कर रहे हो, क्योंकि इसमें दो दो जगह पर वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ अपीयर हो रही होती हैं एक ही वेरिएबल। तो ये थी कोरिलेशन और रिग्रेशन की चीज़ें, फ्रीक्वेंसीज की चीज़ें, और इनको हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कैसे कर रहे होते हैं कि भाई देर इज़ कोरिलेशन आर नॉट कोरिलेशन, इतना परसेंट कोरिलेशन है इट मीन्स इतना परसेंट अगर चेंज करेंगे तो वो इतना परसेंट चेंज होगा। ऐसे ही रिग्रेशन आपका इम्पेक्ट बताता है, वो अब एक चीज़ अगर डाउन होती हो रही है तो आइदर वो दूसरी चीज़ डाउन हो रही होती है या नहीं है। बाकी कोरिलेशन जो है वो आपको बताता है कि इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक है या नहीं, अगर ताल्लुक है, एसोसिएशन है तो कितना परसेंट एसोसिएशन है, और नेगेटिव एसोसिएशन है या नहीं एसोसिएशन, ठीक है। रिग्रेशन आपका हाइपोथेसिस को क्लेरिफाई कर रहा होता है, वो हम आगे जाके जब हम थीसिस कर रहे होंगे, थीसिस के एनालिसिस वाले चैप्टर कर रहे होंगे तो उनमें ये चीज़ें हम डिटेल में समझाएंगे। इसके अलावा और भी टेस्ट होती है, सैंपल सिटी टेस्ट होती है और क्रॉनबेक अल्फ़ा टेस्ट होती है। क्रॉनबेक अल्फ़ा में हम क्या कर रहे होते हैं कि एनालाइज डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हमारा डेटा रिलायबल है या वैलिड है, ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो उसी में भी जो है ना हम जाके जाते हैं स्केल में, एनालाइज में जाके इस स्केल में जाते हैं, फिर रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाते हैं, फिर हम जिन वेरिएबल्स का करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ों का चाहिए, एक वेरिएबल का चाहिए या ग्रुप ऑफ वेरिएबल का चाहिए। अब ये जो है ना, ये ग्रुप ऑफ द वेरिएबल है, सप्लाई चेन एक ग्रुप है बिग डेटा एनल। अब अगर दोनों का चाहिए एक साथ तो आपने दोनों को इंसर्ट कर लिया, शिफ्ट कर लिया और आपने ओके दबा दिया, आपके पास ग्राउंड पे कल्फ आ गया। ये कह रहा है कि भाई जो है रिलायबिलिटी आपकी 27% है, ठीक है। तो ये कितनी भी आ सकते हैं, मसला नहीं, लेकिन इसमें भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसको डबल क्लिक करके। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि भाई 27 की जगह पे 75 कर लिया, ठीक है, मसला ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को, मैनिपुलेट कर सकते हैं इस पीसेस की दुनिया में। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी इस पीसेस रिलेटेड। अब वेरिएबल का जो है, ये भी दोबारा आपको से क्लियर कर लूँ कि ये दो हम सिलेक्ट करते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, जितने भी हों हम उनकी शनाख्त करेंगे, ये जो शॉर्ट फॉर्म के में हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर इनकी फुल डिटेल देते हैं ताकि ये हैं किसके बारे में, जब एनालाइज कर रहे हों तो हमें पता चले कि भाई कौन सा वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।